हमारे दैनिक जीवन में और हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें विद्यमान है जिनके बारे में हम कभी भी हकीकत में रूबरू नहीं होते कि आखिर ये ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। हम आज आपको गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं दूध और पानी में। आपको पता है कि दूध लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, हालांकि दूध उफन जाता है और पानी नहीं उफनता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। इस चीज के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। बहुत सारे हमने ताने भी सुने हैं कि इन्हें पूरा दूध उफान दिया, यानी पूरा दूध निकाल दिया, हालांकि वो थोड़ा सा निकलता है और वो पूरा हो जाता है, वो कैसे होता है आज आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। पहले बात करते हैं दूध की। वैसे क्या होता है कि दूध के अंदर बहुत सारे खनिज लवण पोषक तत्व, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और कैनिन जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पानी से हल्के होते हैं। जैसे जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो ये जो पोषक तत्व है, ये जो पदार्थ है, वो धीरे धीरे दूध के ऊपरी सतह पे आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये शुरू आते हैं और जैसे जैसे गर्म होते जाता है दूध, तो नीचे से भाप बनना शुरू हो जाती है और ऊपर आकर जो पोषक तत्व है वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं और नीचे भाप बनना शुरू हो जाती है। अब आपको पता है जैसे जैसे वो टाइट होते हैं तो एक परत बना लेते हैं ऊपर दूध के ऊपर और नीचे बताए उसके बाद में पानी। आपको पता है तो दूध के अंदर 87% पानी होता है और बाकी 4-5% कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो आपको पता है पानी गर्म होगा तो भाप जरूर निकालेगा, और जैसे ही भाप निकालता है तो वह जो कार्बोहाइड्रेट जो जिनकी एक परत बनी है उन परत के ऊपर एक दबाव उत्पन्न करता है वो पानी। पानी में तो क्या होता है कि वो जैसे गर्म होता है बाहर निकल जाता है, लेकिन दूध में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे वो प्रेशर लगाता है तो आपको पता है तो जो गाढ़ा हुआ हुआ जो पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही वह एक निश्चित टेम्परेचर निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पे आता है उसके बाद में वह दूध बाहर निकल जाता है जो कि ऊपरी परत है। वो क्यों होती है? उस दबाव के कारण, हालांकि उसको जो भाप है उसको जगह नहीं मिलती है बाहर निकलने के कारण। और जब दूध उफन जाता है उसके बाद में आप देखते हो कि एक बार ऊपर जो पदार्थ जमा हुआ वो पूरा बाहर निकल गया, उसके बाद में अंदर वो दूध है वो भी पानी की तरह उबलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में बहुत ही कम चांस होते हैं कि दूध उफनेगा। तो ये था मेन कारण दूध के उफनने का। उसके बाद में हम बात करते हैं पानी की कि पानी क्यों नहीं उफनता है। वैसे आपको पता है पानी के अंदर किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते जो कि बहुत भारी होते हैं। सारे पोषक तत्व होते हैं वो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे ही होते हैं, तरल के रूप में होते हैं। तो जैसे जैसे गर्म करते हैं वो निश्चित बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो आपको पता है वो ऐसे ऊपर नीचे होकर वहीं पे शांत रहता है, हालांकि वो उससे बाहर निकलना क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है और कोई परत नहीं बना रहा है वहां पे। और जैसे जैसे वह भाप निकलती है तो भाप क्या होता है आपको पता है, भाप ऊपर से निकल जाती है। हालांकि दूध में क्या होता है कि भाप लगाती है तो भाप वो जो गाढ़ा द्रव बना है, पदार्थ बना है, वो पदार्थ निकालने के बाद में वो गैस निकलती है। हालांकि पानी में ऐसा नहीं होता है, पानी में पहले ही ऑलरेडी वो गैस है वो बर्तन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये था आज का हमारा गजब फैक्ट कि दूध क्यों उफनता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी हिस्ट्री में जाकर ऐसे ही आप आसपास की दैनिक सामयिकी के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।